अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जल्द से जल्द उसे बता देना चाहिए। क्या पता जिंदगी में यह मौका दोबारा मिले या ना मिले। क्या करूं, मुझे उन्हें सब बता देना चाहिए ना। चिड़िया सर का मूड तो वैसे ही इतना खराब है, पर उन्हें बताना तो होगा ही। शिखा मैम और चिन्मय दादा के रिश्ते में अभी भी एक उम्मीद है। बताना होगा कि मैं तबाही नहीं मचाना चाहती, मैं इस घर में सब कुछ वापस ठीक करना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये घर मुझे अपना लगने लगा है, ये परिवार अपना लगने लगा है, सबकी परवाह करने लगी हूँ। सबसे ज्यादा ईशान सर की, क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ, उनसे प्यार करने लगी हूँ? कैसे बताऊं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और बताना तो होगा ना। क्या करूं, कुछ तो सोच। ये दिल की बात बताना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है मुझे? मुझे और यूपीएससी का इंटरव्यू क्रैक करना ना ज्यादा आसान होगा। मुझे नहीं पता मेरा ईशान के लिए ये सब महसूस करना सही है या नहीं, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है। लेकिन एक बात मुझे अच्छे से पता है, मेरे दिल में ईशान के लिए फीलिंग्स तो हैं। मैं ईशान से प्यार करती हूँ बहुत। डियर ईशान सर, मैंने अब तक मुश्किल से मुश्किल टॉपिक पर ऐसे लिखे, लेकिन शायद आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज लिखने जा रही हूँ, अपनी फीलिंग्स। मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर कहा नहीं तो मुझे चैन भी नहीं आएगा। पता नहीं कब कैसे आप मेरी जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गए। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई, एक आपसे मिलने से पहले और एक आपसे मिलने के बाद। और सच कहूँ तो आपसे पहले का कुछ अब याद भी नहीं आ रहा मुझे, सिर्फ आपसे जुड़ी बातें याद रहती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आप इस सफर के हर मोड़ पे खड़े थे मेरे साथ, मुझे संभालने के लिए। आपने मुझे सिर्फ एक मेंटोर की तरह गाइड नहीं किया, बल्कि एक हमसफर की तरह हर कदम पर मेरा साथ दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया। आई लव यू ईशान सर। लिख तो दिया, अब क्या होगा? क्या करूं? डेजर्ट।